सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई फेमस होना चाहता है। कुछ लोग यहाँ अपने टैलेंट से फेमस होते हैं तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके। आज ऐसी ही लड़की की हम बात करने वाले हैं जो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और अपनी यूनिक एक्टिंग और एक्सप्रेशन से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। जो बनना तो एक्टर चाहती थी लेकिन उस समय कंडीशंस ना होने की वजह से बन गई वो आरजे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजे करिश्मा की। करिश्मा के शॉर्ट्स कॉमेडी वीडियोस YouTube, Instagram और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अपनी कॉमिक टाइमिंग, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग और रिलेटिव कंटेंट की वजह से इन्हें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और इनकी सास बहू वाली सीरीज तो बहुत ही पॉपुलर हो रही हैं। अपने टैलेंट से करिश्मा ऑडियंस की छिपी हुई हंसी को भी वापस ला देती हैं। फिलहाल करिश्मा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में हुए आईफा अवार्ड में करिश्मा भी दिखाई दी थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे आरजे करिश्मा के बारे में, जानेंगे इनके आरजे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने तक के सफर को और बहुत सी पर्सनल बातें इनके बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। 1995 को जम्मू की एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही क्यूट और टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ जिन्हें आज आप आरजे करिश्मा के नाम से जानते हैं। करिश्मा आज 26 साल की हैं। करिश्मा बचपन से ही बहुत शरारती रही हैं, जो हर टाइम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती थीं, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स इनसे काफी परेशान रहते थे। ये एक जॉइंट फैमिली में रहती थीं, जहां ये और इनका कजिन मिलकर कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें कई बार फैमिली द्वारा मार भी पड़ती थी और कई बार तो करिश्मा की मम्मी उन्हें रूम में बंद कर दिया करती थी। करिश्मा सीरियल्स देख देख कर ही बड़ी हुई है। करिश्मा ने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, स्पेशली निगेटिव रोल्स जो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे। करिश्मा को एक्टिंग का इतना शौक था कि ये बहुत बार बहुत सारे कैरेक्टर की मिमिक्री किया करती थी। एक बार इनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो उन्हें करिश्मा के रूम से चार लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तब वे करिश्मा के रूम में आई और उन्होंने करिश्मा से पूछा कि तुम्हारे साथ रूम में कौन है। तब करिश्मा ने कहा कि मैं अकेली हूँ और मैं ही ये आवाजें निकाल रही थी। तब करिश्मा की मम्मी शॉक्ड रह गईं कि इतनी आवाजें एक साथ करिश्मा कैसे निकाल रही हैं। और तभी करिश्मा ने एक्टिंग के लिए घर पर बोला तो इन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि करिश्मा के घर वाले चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने। इनकी फैमिली का कहना था कि इन सब में कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ से कोई भी एक्टिंग में नहीं गया है, तुम भी चुपचाप पढ़ाई करो, इससे ही फ्यूचर बनेगा। पेरेंट्स के प्रेशर में करिश्मा ने साइंस ले ली और 12th PCM से ही किया। हालांकि करिश्मा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थी। इनका मन तो हमेशा एक्टिंग में ही लगा रहता था। जब करिश्मा की स्कूलिंग हो गई तो उन्होंने ये बात अपने भाई से कही कि उन्हें एंटरटेनमेंट एक्टिंग वगैरह में ही जाना है, इसमें ही वो अपना करियर बनाना चाहती हैं। तब इनके भाई ने इन्हें एक्टिंग में जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद करिश्मा इंदौर आ गईं। यहाँ करिश्मा की मौसी रहती थी। इंदौर से ही करिश्मा ने मीडिया मास कम्युनिकेशन से अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद करिश्मा के पास कोई काम नहीं था, इसलिए इन्होंने रेड FM में रेडियो जॉकी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें इनसे पूछा गया कि वो रेडियो जॉकी क्यों बनना चाहती हैं। जिसमें करिश्मा ने एकदम सच बोला और अपने दिल की बात बता दी। उन्हें कहा कि वो रेडियो जॉकी नहीं बनना चाहती हैं, वो तो एक्टिंग करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें जॉब की जरूरत है। और करिश्मा की इसी लॉयल्टी ने उन्हें रेडियो जॉकी की जॉब दिला दी। इसके बाद करिश्मा ने 6 महीने इंटर्नशिप की और फिर रेडियो ही करती रहीं। धीरे धीरे उन्हें इस जॉब में इंटरेस्ट आने लगा और करिश्मा ने इसी जॉब में अपने हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी से काफी पॉपुलरिटी गेन कर ली थी। थोड़े ही टाइम में करिश्मा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। रेडियो पर लोग करिश्मा के शो का इंतजार करते थे, इससे करिश्मा को बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन करिश्मा सोचती थी कि मेरी आवाज को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे रियल में जानते हैं। तब फिर करिश्मा ने अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना सही समझा। इन्होंने इंस्टाग्राम पर फनी रील्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जब करिश्मा ने रील्स बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें इतने कम समय में इतनी कामयाबी मिलेगी। करिश्मा ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी की वजह से बहुत ही कम टाइम में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और इनकी सास बहू वाली सीरीज ने तो धमाल ही मचा दिया, जिन्होंने सबको अपना दीवाना बना लिया। करिश्मा की इसी सीरीज ने उन्हें छोटे से बड़े हर घर तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आज इनकी सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। करिश्मा के इंस्टाग्राम ID आरजे करिश्मा के नाम से है और इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपना पहला वीडियो 29 नवंबर 2014 को अपलोड किया था और आज इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
साथ ही इनका एक YouTube चैनल भी है जो भी आरजे करिश्मा के नाम से ही है। YouTube पर भी ये अपनी फनी रील्स शेयर करती हैं, जिस पर भी इनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइज ये थी करिश्मा की आरजे बनने की और आरजे से कॉमेडियन बनने तक की कहानी। करिश्मा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नाम शुभम रघुवंशी है जो भी एक आरजे हैं और इनके साथ ही रेड FM में जॉब करते हैं। दोस्तों ये थी कहानी आरजे करिश्मा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप भी करिश्मा की वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उनकी कौन सी वीडियोस पसंद है, भाई बहन या फिर सास बहू की नोक झोंक वाली। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।